कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सवा लाइफ स्टाइल। आज हमने बकरे लिए थे, ये देखिए हमारे बकरे। हमने उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया और ये हमारे बकरे थे। आप सबको सॉरी ईद मुबारक, आपको बोलना ही बोल गई, आपको ईद मुबारक। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की कैसी ईद गुजरी। और ये हमारे बकरे हैं, ये देखें, ये वाला जो मेरा बकरा है ये ब्लैक एंड वाइट, ये जो ब्लैक एंड वाइट वाला बकरा है ना, ये जो खा रहा है पत्ते, इसके मुझे तो खाली वाइट कलर और बिना सिंगों वाला अच्छा लगता है, मुझे ब्लैक नहीं अच्छा कलर लगता। तो लेकिन बाबा ने कहा कि ये ले लो, ये अच्छा है, तो मैंने फिर ये ले लिया। लेकिन ये भी बहुत प्यारा है और ये मैं इसको खाना खिला रही हूँ। ये देखें, ये ना मारता बड़ा था, लेकिन ये जो मेरे बाबा है ना, उन्होंने मारना इसको बंद करवाया। इस मतलब अब ये नहीं मारता। ये बहुत क्यूट है। और मेरी कज़न का भी बकरा आया था, ये मेरा बकरा है, बस आपको ये बता रही हूँ, ये मेरा बकरा है। ये बाबा ने, मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई थी खड़ा होने पे, और हम इसको हर रोज़ पार्क लेके जाते थे। वहाँ पे कभी पार्क ले गए, कभी बाहर ले गए। हमारे बाहर बहुत पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते हैं। ये हम अभी घर से बाहर हैं, हमारे घर के बाहर सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीच कलर का घर हमारा है। यहाँ घर पे हमारे पत्ते लगे हुए हैं, तो इस पे ये लोग तोड़ के पत्ते खा रहे हैं ये। और जो दूसरा हमारा बकरा है, दूसरा वाइट कलर का, ये देखिए ये दोनों बकरे, ये दूसरा वाइट वाला है ना बकरा, ये वाला, ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये ले दिया। कोई बात नहीं, दोनों ही बकरे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, इतना प्यारा बकरा है ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता। लेकिन जिसका जो कान है ना, सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है। इंशा बहुत डरती है, मेरी कज़न बहुत डरती है इससे, कि ये छोटी अभी आपको नज़र आई थी, ये बहुत डरती है इनसे, कहती है कि मैंने पास नहीं जाना इन दोनों के। हाँ, लेकिन मैं इससे पहले बहुत डरती थी, पहले छोटी होती मैं बहुत डरती थी। ये जो मेरे साथ खड़ी हुई है ना, वो इसका बकरा है, और ये जो इंच है, मैं हम सारे इसको खाना खिला रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गया है। वो पीछे ब्लैक वाला सारे उस वाइट वाले को खिला रहे हैं, ब्लैक वाला पीछे उदास हो गया। हमने इसकी कुर्बानी भी की थी, हमने इनकी कुर्बानी भी की थी, कि हमें तो बड़ा दुख हुआ कि हमने इनकी क्यों कुर्बानी की। हम ईद से पहले बकरे लेके आए थे, चांद रात से एक दिन पहले। हाँ, मैं खुद गई थी बाबा के साथ लेने बकरे। हम मतलब के बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया हमने इन बकरों के साथ। और वैसे तो पहले मुझे बकरे बहुत बुरे लगते थे, मुझे बहुत जहर लगते थे, मैं खाती भी नहीं थी बकरे। अब मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी स्टार्ट किया है इनको, और अच्छे भी लगते हैं। अब मैं इनको सैरे भी करवाने लेके जाती हूँ। और बस ये है कि मैं काला बकरा नहीं लेती, पता नहीं क्यों मुझे काला बकरा अच्छा नहीं लगता, काला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये जो वाइट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट कलर, मुझे ड्रेस में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो वाइट एंड ब्लैक है, तो मेरे चाचू सब ने कहा कि यही ले लो, इसके इसमें डबल डबल है। लेकिन मैंने कहा, वहाँ पे एक और वाइट कलर का था लेकिन उसके सिंग थे, मैंने कहा मैंने वो लेना है। तो वो सारे कहते वो तो मारते हैं, ना लो सिंग वाले, बिना सिंग वाला ले लो, ये बिना सिंग वाले। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, अपने दिमाग को ठंडा किया, मैं सोचा फिर मैंने यही ले लिया। हम जो ट्रॉली होती है ना, जिसमें बकरे को लेके आते हैं, उसके साथ हम आए थे। हम उसके साथ मतलब बकरे, मैं, मेरा कज़न और सबसे छोटा कज़न, उनके साथ हम आए थे। तो हमें बहुत मज़ा आया हम बकरों के साथ खेलते वक्त। और मैं जो इनका दुख में गोश्त भी नहीं खाया, मुझे नहीं, वैसे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन मैं खाती थी। अब दो तीन दफ़ा खाया था, लेकिन मुझे अब दिल नहीं कर रहा था मेरा खाने का इनका गोश्त। तो आपने बकरे लिए कौन से कलर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन जब ये लोग कुर्बान हो गए, ये लोग कुर्बान हो गए, तब तो बहुत दुख हुआ था हमें कि क्यों कुर्बान हो गए ये लोग। आप लोगों ने कैसे बकरे लिए हैं, और वो लोग क्या खाते हैं, किस कलर के हैं, क्या है। उस दिन मुझे जिस देखे मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसे तक तक खिलाते हो। मैं ऊपर, मैंने ये जो मेरे वाइट कलर का बकरा है ना, वो बहुत अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।